हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल पीके से लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में एक धरन के साथ दो धरन को किस प्रकार से आपस में जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद उनके जो व्यू होते हैं वह किस प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मुख्य धरन से दो द्वितीय धरन के जोड़ का निम्न दृश्य बनाइए, जिसमें मेन धरन, मुख्य बीम, सेकेंडरी बीम और हमारा डिवेट और क्लिट एंगल दिए गए हैं। अब इसमें से हमको जो बनाने के लिए कहा जा रहा है कि इसका फ्रंट बनाइए और साइड भी बनाइए, यानी इसका फ्रंट किस प्रकार से बनेगा और साइड भी किस प्रकार से बनेगा, यह बनाने के लिए कहा जा सकता है। अब अगर बात करते हैं कि जो इसके जोड़ बनाए जाएंगे वह किस प्रकार से बन सकते हैं, तो एक हमारा होगा कि जो मुख्य धरन हो, इस मुख्य धरन से इसके जो वेव है इन दोनों वेवों पे दोनों द्वितीय बीम को जोड़ा जाए। दूसरा हो सकता है कि मुख्य धरन के जो हमारे दोनों फ्लेंज होंगे उन दोनों फ्लेंजों पे एक एक द्वितीय बीम को जोड़ करके दिखाया जाए। इसके पहले भी हमने बीम टू बीम कनेक्शन के बारे में पढ़ा है, जिसमें पहले लेक्चर में आप सभी को बताया गया था कि एक धरन को एक दूसरे धरन से जोड़ का सम्मुख दृश्य और उसका पार्श्व दृश्य बनाइए। बनाए जाएंगे वैसे ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन यह कर दिया गया कि उसमें एक धरन को कहा गया था, इसमें जो द्वितीय धरन है इसको दो कर दिया गया है। तो अगर पहले के फ्रंट और साइड व्यू बिना 3D के बना सकते हैं तो दूसरे वाले का यानी इस क्वेश्चन का भी सरलता से बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि जो हमारा मुख्य धरन होगा उस मुख्य धरन के वेव से सेकेंडरी दो बीम को किस प्रकार से जोड़ा गया होगा। तो हम सबसे पहले इसका आइसोमेट्रिक व्यू बना लेते हैं, जिसमें मुख्य धरन के साथ दो सेकेंडरी को जोड़ देंगे। तो अगर इसको बनाना होगा तो सबसे पहले हम इसके फ्लेंज के निचले सिरे को दिखाते हैं, फिर इसकी हम फ्लेंज की मोटाई को दिखा देते हैं और यहाँ से दिखाते हैं फ्लेंज की लंबाई, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा। यहाँ से भी वैसे ही कर लेते हैं, ये हमारा वेव, ये फ्लेंज और ये भी फ्लेंज है। अब यहां से इसके वेव को हम ऊपर की तरफ उठाते हैं इस प्रकार से, और यहां पे हम पुनः इसके फ्लेंज को दिखाते हैं। तो अगर इसके फ्लेंज को दिखाया जा रहा है तो कुछ इस प्रकार से यह बन जाएगा, यह थोड़ा सा छोटा हो रहा है, इसको बड़ा कर लेते हैं और यहां से इसको इस दिशा में बढ़ा देते हैं और यहां से इसको दिखा दिया गया, यहां से इसको भी बढ़ाते हैं और यहां से एक रेखा इस प्रकार से ले जा करके इसके अंतिम सिरे पे जोड़ देंगे और यहां से भी ले जाते हैं। तो ये हमारा एक आई सेक्शन हो गया, जिसमें कि यह फ्लेंज की मोटाई होगी और यह फ्लेंज की मोटाई होगी। अब कहा गया है कि इसी के साथ एक द्वितीय सेकेंडरी बीम को जोड़ना है, तो सेकेंडरी बीम को यदि जोड़ते हैं तो यहां से हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो यहां पे हमारा हो जाएगा सेकेंडरी बीम। ये हम बना देते हैं सेकेंडरी बीम को, यहां से इसके वेव को ऊंचाई दिखा देते हैं कि कितना ऊंचा वेव होगा और यहाँ पे यह हमारा किस प्रकार से बना। फिर यहां से
इस प्रकार से दिखा देते हैं, जैसे पहले दिखाया जा रहा था सेम वैसे ही यहाँ पे दिखा दिया गया। लेकिन अब इसके साथ एक और जोड़ना है, तो यहाँ पे इसको एक और दिखा देते हैं, जो कि हमारा होगा एक सेकेंडरी या कह सकते हैं द्वितीय ग्रीन, जो हमारा कुछ इस प्रकार से बना होगा ऐसे करके। ऐसे करके बना होगा, यहां से ये हमारा मेन बीम होगा, मेन बीम ये पहला सेकेंडरी बीम, ये हमारा हो जाएगा दूसरा सेकेंडरी बीम। अब इसी के व्यू को हमको दिखाने के लिए कहा गया है, तो अगर यह नहीं होता तो पहले जैसा था तो जैसे इस तरफ बनाते थे वैसे इस तरफ भी बना लेंगे। तो हम सबसे पहले इसके फ्रंट को बनाते हैं, और फ्रंट कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से जहाँ से मेन बीम का आई सेक्शन हमको दिखे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक आई सेक्शन दिखाते हैं, इस प्रकार से आई सेक्शन हो जाएगा हमारा, और इस आई सेक्शन के माप को भी दिखाएंगे। हमको लग रहा है कि यदि आप सब हमारा पिछला लेक्चर देखे होंगे तो यहां पे इस व्यू को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले में आपको बताया गया था कि एक बीम से एक सेकेंडरी बीम को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो पहले हम इतना देख लेते हैं, यह मानते हैं कि यह हमारा द्वितीय बीम इसके साथ नहीं जोड़ा गया है। तो मेन बीम इसके फ्लेंज की जो माप है यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यह हमारा है 250, जो कि चित्र में दिखाया गया है, और इसकी टोटल जो गहराई है वह 350 है, और इसके फ्लेंज की मोटाई की बात करते हैं तो यहां से यहां तक इसका जो फ्लेंज है यह हमारा है 25 mm। अब अगर ये 25 mm और ये 25 mm 50 mm हम टोटल दूरी से घटा देते हैं, तो इन फ्लेंजों के बीच की दूरी जो बचेगी वह हमारा बचेगा 300 mm। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो यह हमारा 280 ही है, यानी 20 mm की दूरी हमको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक रेखा बढ़ाते हैं और इस रेखा से 280 mm की दूरी पे एक रेखा और दिखा करके इसके अंदर हम ब्रेक लाइन दिखा देते हैं, यानी जो हमारा सेकेंडरी बीम होगा वह इतने ही दूरी के अंदर सारा कुछ दिखेगा। अब दिखेगा क्या क्या, इस फ्लेंज की मोटाई और इस फ्लेंज की मोटाई, और फ्लेंज की मोटाई इसमें अगर देखेंगे सेकेंडरी बीम में तो यह हमारा 20 mm है। तो इस रेखा से 20 mm ऊपर एक रेखा दिखा देते हैं, और इस रेखा से नीचे 20 mm पे एक रेखा दिखा देते हैं, और यहाँ पे लगा हुआ जो यहाँ पे क्लिप एंगल हमारा लगा होगा, क्लिप एंगल इसको दिखा देते हैं, और क्लिप एंगल जो हमारा है 90, 90 और 10 का, यानी इस बार जो हमारा क्लिप एंगल बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बना होगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक 90 है और यहाँ से यहाँ तक भी 90, और इसकी जो मोटाई है वह 10 mm, यानी यहाँ पे जो भी माप दिए गए हैं सारे mm में ही दिखाए गए हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 90 mm की दूरी मापेंगे, जहाँ जाएगा वहाँ से नीचे आकर के 90 mm पे मोड़ देंगे। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा तो यहाँ पे कुछ गैप रख दिया गया है, तो जो भी गैप यहाँ पे रखते हैं उतना ही गैप यहाँ पे भी रख देंगे, और इसके बाद इस रेखा से 10 mm की दूरी पे एक और दिखा देते हैं,
पिछला जो हमारा बनाया जाता था यहाँ पे रिवेट लगा दिए जाते थे और यहाँ पे रिवेट लगा दिए जाते थे, तो इस प्रकार से ये हमारे बने होते थे। यहाँ पे रिवेट दिखा दिया गया, कम से कम दो रिवेट दिखाने ही दिखाने हैं, तीन कर दिया गया या दो ही दिखाया जाए कोई दिक्कत नहीं, चलिए दो ही मान लेते हैं। तो ये हमारा एक हो गया। जब क्वेश्चन में यह कहा जाए कि एक धरण से एक धरण के जोड़ का सम्मुख दृश्य दिखाइए, तो इसी प्रकार से बताया गया था बनाने के लिए। अब यहां पे कहा जा रहा है कि एक धरण से दो सेकेंडरी व्यू को या दो धरणों को जोड़ करके उसका फ्रंट और साइड व्यू बनाइए। तो एक था तो इस प्रकार से हो गया, जब दो हो जाएंगे तो इधर वाला जो भाग बनाया गया है ऐसा ही इधर भी दिखा देंगे, तो वह हमारा दोहरा व्यू जोड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही सेम दिखा देते हैं, जो भी माप थे वही ले लिए गए, यानी यहां पे जो ये माप दिखाए गए ये हमारा 180 टोटल था, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी थी ये टोटल हमारा 280 है, तो इसको 280 रख दिया गया और इसमें ये और ये 20-20 का कर दिया गया। जैसे यहाँ पे लगाया गया था वैसे यहाँ पे भी सेम वही क्लिप एंगल वही दूरी वही रिवेट लगाए जाएंगे। तो एक प्लस यहाँ पे एक प्लस यहाँ पे, प्लस होता है अगर प्लस दिखाते हैं तो इसका आशय होता है कि जो रिवेट लगाया गया है उस रिवेट का शीर्ष हमको दिखाई दे रहा है, और जब इस प्रकार से दिखाते हैं ऐसे करके तो इसका मतलब है कि शीर्ष का साइड से भाग दिख रहा है। तो ये जितने भी रिवेट होंगे उतने ऐसे दिखाया जा सकता है, और यहां से कर देंगे डायरेक्ट और यहां पे लिख दिया जाएगा कि ये जो हमारा है यह फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू हमारा बन गया। यहां पे दिखा देंगे कि ये जो हमारा था सेकेंडरी व्यू था, सेकेंडरी व्यू यहां पे इसको भी दिखाना पड़ेगा, यह भी हमारा सेकेंडरी बीम है, और इसको यहाँ पे दिखा देते हैं जो फ्लेंज को दिखा रहा है, लेकिन फ्लेंज को ना दिखा करके हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारा मेन बीम है। तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाए। अगर माप दिखाना चाहे तो यहाँ पे दिखा सकते हैं 20 mm, क्योंकि जो सेकेंडरी बीम है उसके फ्लेंज की जो मोटाई है वह 20 mm है, और यहाँ पे इसके वेब की मोटाई दिखाना चाहते हैं तो यहीं पे ऐसे तीर बना करके ऐसे करके और इसी तीर पे लिख देंगे कि इसकी जो वेब है मेन बीम की उसकी मोटाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 mm है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट। अगर साइड व्यू बनाते हैं तो ये यहां से देखेंगे साइड व्यू, तो साइड में देखेंगे तो जो हमारा मेन बीम होगा इस मेन बीम के फ्लेंज की मोटाई और यहाँ पे फ्लेंज की मोटाई और इन दोनों फ्लेंजों के बीच मेन बीम का वेब दिखेगा, तो हम इतना सबसे पहले दिखाएंगे, एक रेखा दिखाएंगे, एक दूसरी रेखा यहाँ पे दिखाते हैं और इनके बीच की जो दूरी होगी यह दूरी हमारा हो जाएगा, यहाँ फ्लेंजों की गहराई दिखाई गई है 350 mm, तो यहाँ पे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी यह टोटल हो जाएगा 350 mm। यहाँ mm सभी के साथ ना लिख करके ये सारा बनाने के बाद नीचे लिख सकते हैं कि आल डायमेंशन इज mm या आल डायमेंशन आर mm, यानी सभी जो माप दिए गए हैं वह एमएम में दिए गए हैं। अब इस फ्लेंज की मोटाई
अगर यहां से देखेंगे मेन बीम है तो 25 है, ऊपर नीचे वाले दोनों, तो इस रेखा के अंदर की तरफ 25 एमएम पे एक रेखा दिखाते हैं और इस रेखा के ऊपर 25 एमएम पे एक रेखा और दिखाते हैं। तो ये जो दोनों बने, ये हमारा बना फ्लेंज की मोटाई ऊपरी और निचली फ्लेंज की मोटाई, और इसके मध्य में जो बचा वह हमारा बचा वेब। अब इसी वेब पे ये जुड़ा हुआ है, तो यहां से यही सेम चित्र ला करके यहां पे बना देंगे। तो यहां दिखाएंगे जितना भी माप दिया गया होगा उस माप के अकॉर्डिंग यहां पे हम दूसरे वाले का यानी सेकेंडरी बीम का आई सेक्शन को दिखाएंगे। तो आई सेक्शन अगर दिखाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा दूसरे का आई सेक्शन हो गया। अब यहां पे क्या किया जाएगा कि जो यहां पे क्लिट एंगल दिखाए गए हैं यही क्लिट एंगल एक इधर लगाया गया है, एक इधर लगाया गया है, लेकिन यहां पे जो दोनों दिखाए गए हैं एक क्लिट एंगल यहां का दिखाया गया है, एक क्लिट एंगल यहां का दिखाया गया है। तो इस पे हम दिखा देंगे क्लिट एंगल। तो यहां से 90 जाएंगे, नीचे कुछ भी दूरी ले सकते हैं और इसके अंदर 10 एमएम, फिर यहां पे भी सेम वैसे ही बना देंगे और इस पे प्लस दिखाएंगे। इस प्रकार से प्लस करके दिखा देंगे और यहां पे इसके शीर्ष का साइड व्यू दिखा देंगे रिवेट के, और यहां से दिखा देंगे कि डाटर ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, और यहां पे लिखेंगे कि ये हमारा साइड व्यू दिखाया गया है। यहां पे ये दिखा देंगे कि ये हमारा है सेकेंडरी व्यू, सेकेंडरी बीम, इसको यहां पे दिखा देंगे कि ये हमारा है क्लिट एंगल जो 90 × 90 × 10 में है, क्योंकि ये माप यहां पे नहीं दिखाए जा सकते हैं। यहां पे रिवेट लगा हुआ है तो दिखा देंगे रिवेट, रिवेट जो हमारा है यह 16 एमएम व्यास का है। ऐसे इसमें भी दिखाए जाएंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से दिखा देंगे कि ये हमारा जो दिखाया गया है क्लिट एंगल है, और जो क्लिट एंगल का माप है वह 90 × 90 × 10 में है, और यहीं पे एक रिवेट के बारे में भी बता देंगे। लेकिन जो भी दिखाएंगे वह हम दिखाएंगे चित्र के बाहर। तो यह हमारा हो गया फ्रेम और यह हो गया हमारा साइड। ऐसे ही यदि अगर कहा जाता कि इसको यहां पे ना जोड़ करके इसके फ्लेंज पे जोड़ा जाए, तो जैसे हमारा फ्लेंज वाला एक बीम के साथ जोड़ करके बनाया गया था वैसे फ्लेंज पे दो बीम को भी जोड़ करके बनाएंगे, उसमें एक था वही चीज हम दूसरे तरफ भी दिखा देंगे। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।